Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back to another lecture of Coordination Chemistry. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे IUPAC Nomenclature of Coordination Compounds के बारे में. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसके अलावा हमने देखी थी कौन कौन सी टर्म जो है वो हमें यूज होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ते वक्त हमें किन किन टर्म्स का यूज हो जाता है. और अब उसके बाद जो हमने देखा था वो देखा था टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, और आज जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक बेटा. ओके, देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रीज की जो एक यूनियन है वर्ल्ड वाइड, उन्होंने अपने कुछ रूल्स दिए हैं ताकि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नाम दे सके. ये जो रूल्स है ये हर साल मॉडिफाई किए गए, बहुत देर तक मॉडिफाई हो गए, लेकिन एट लास्ट हमें जो लेटेस्ट रूल जो मिले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के, लेटेस्ट रूल जो है वो आपको मिले हैं 2004 में. सो यहां पर हम जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो हम लेटेस्ट रूल डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, एंड दैट आर द रूल्स ऑफ 2004. ओके, जो हमारे पास अब जो ये रूल्स है, रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रूल्स क्या है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम नाम देंगे तो उनके लिए कौन कौन से रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ओके बेटा, जो रूल नंबर फर्स्ट है बेटा, अगर हम पहले रूल की बात करें, रूल नंबर फर्स्ट, सो अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सपोज आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस प्रकार का है, आपका M, L एंड दैट इज X एंड दैट इज लाइक दिस, और यहां पर आपका कोई A रखा गया है. इफ यू हैव द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक दिस, और अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके का है बेटा, आप नाम रख सकते हैं इसको ऐसे बेटा, इट इज L, इट इज X एंड दिस इज बेटा C. ओके, तो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जब मैंने आपको डिस्कस किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप लोगों के साथ, तो मैंने बोला था इस पार्ट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं. कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम इस पार्ट को कहते हैं, और इस पार्ट और इस पार्ट को हम बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं. आयोनाइजेशन स्फीयर, गौर कीजिएगा बेटा और याद रख लीजिएगा साथ साथ, अगर आयोनाइजेशन स्फीयर में आपका कोई एटम है या कोई आयन है वो इस साइड में होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेटा वो बात याद रखना, वो होगा आपका पॉजिटिवली चार्जेड, उसका चार्ज पॉजिटिव होगा. ओके, अगर वो राइट हैंड साइड में होगा बेटा, दैट इज दिस वन, इसका चार्ज जो होगा दैट विल बी बेटा नेगेटिव, वो नेगेटिवली चार्ज होगा. ओके, याद रख लीजिएगा कि अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपको दो पार्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी है उसमें और आयोनाइजेशन स्फीयर भी है बेटा, लेकिन आपको खास ख्याल रखना है जो आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, तो वो होगा पॉजिटिव इन नेचर, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और अगर वो राइट हैंड साइड में होगा बेटा तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा. जब भी हम नाम देते हैं, वेन एवर वी गिव द नेम टू एनी कंपाउंड, जब वो चार्ज्ड होगा तो हम पहला नाम जो लेते हैं वो पॉजिटिव पार्ट का लेते हैं, और उसके बाद हम बेटा नेगेटिव पार्ट का नाम ले लेते हैं. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा NaCl है, दिस इज सोडियम क्लोराइड आपके पास है, ये सोडियम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट होता है. ये जब हम इसका नाम दे देते हैं तो हम पहले पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट का नाम लेते हैं, तो सपोज इसका नाम जो आएगा वो आएगा पहला आपका सोडियम है,
और उसके बाद आपको क्लोरीन है यानी कि क्लोराइड है, तो हम इसका नाम इस प्रकार से रख लेते हैं। सिमिलर अगर आपका यहां पॉजिटिव कोई पार्ट होगा, उसका जो नेचर होगा, उसका जो नाम होगा, वो वैसा ही आप रखेंगे, और उसके बाद आप जाएंगे किस पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। ओके, चलिए मैं रूल नंबर फर्स्ट बता रहा हूं आप लोगों को। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नेम्ड बिफोर नेगेटिव पार्ट। आपका जो पॉजिटिव पार्ट होगा बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पहले आप उसका नाम रखेंगे और उसके बाद आप नेगेटिव पार्ट पे जाएंगे। ओके, सो याद रखना, पहला रूल जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, सबसे पहला रूल जो है आप पॉजिटिव पार्ट का नाम ले लेंगे और उसके फौरन बाद आप नेगेटिव पार्ट पे जाएंगे। ओके, अगर आपका ये वाला कंपाउंड है तो पहले ए का नाम रखेंगे आप, उसके बाद इसका नाम रखेंगे। ओके, अगर इस प्रकार का कोई कंपाउंड आपको मिल रहा है तो आप बेटा क्या करेंगे, पहले इस पार्ट का नाम ले लेंगे और उसके बाद आप सी पार्ट का नाम ले लेंगे। ओके, चलिए, दिस वाज रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर सेकंड जो है बेटा वो क्या कह रहा है हमें, रूल नंबर सेकंड, अब आपने पॉजिटिव पार्ट का नाम ले लिया है तो अगर आपका नेगेटिव पार्ट है उसके बाद, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पार्ट होगा। ओके, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ligands are named first after that metal is named। याद रखिएगा, जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे, उसकी जो पार्ट्स है उनका नाम रखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेटा आप लिगेंड्स का नाम ले लेंगे और उसके बाद आप बेटा मेटल का नाम ले लेंगे। ओके बेटा, चलिए, सो पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया, पहला रूल जो बताया मैंने आपको कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे देंगे तो उस वक्त आप सिंपली बेटा क्या काम करेंगे, आप पॉजिटिव पार्ट का पहला नाम ले लेंगे और उसके बाद आप नेगेटिव पार्ट का नाम ले लेंगे। रूल नंबर सेकंड में मैंने क्या कहा, अगर आपके पास अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बचा है तो उसको नाम देना है आपको, तो पहले आप किसका नाम दे देंगे, पहले आप नाम ले लेंगे लिगेंड्स का और उसके बाद आप किन का नाम ले लेंगे बेटा, आप मेटल का नाम ले लेंगे। यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट विथ नंबर, यानी कि उनके पास कितना नंबर है, अगर वो 3 है 4 है 5 है तो वो भी आप साथ लिख ले जाएंगे कि कितने लिगेंड्स है, तो उनको लिखने के बाद आप मेटल्स का नाम ले लेंगे। ओके, चलिए, रूल नंबर थर्ड में क्या बात करते हैं बेटा, अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर contains more than one type of ligand, then name the ligands alphabetically, आपको alphabetically उनका नाम लेना पड़ेगा। अगर आपके पास coordination sphere है, फिर से मैं repeat कर रहा हूं,
तो लिगेंड्स को आप सबसे पहले नाम दे देंगे और उसके बाद आप मेटल का नाम दे देंगे। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक ही जैसे लिगेंड्स नहीं है, वहां पर बहुत सारे लिगेंड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है। इफ अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, देन यू नेम द लिगेंड्स अल्फाबेटिकली। आपको अल्फाबेटिकली उनको ऑर्डर में लिखना है, यानी कि ए आएगा पहले, बी सी डी ई एफ जी, इसी तरह आपको नाम रखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको तीन रूल समझाए इस वक्त। सबसे पहला रूल, जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देना चाहेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसका नाम आप पहले लिखेंगे और उसके बाद आप नेगेटिव पार्ट का नाम ले लेंगे। अगर आप बारी आ गई है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले आप लिगेंड्स का नाम ले लेंगे और अलोंग विथ नंबर कि वो कितने हैं वो भी साथ लिखेंगे, तो उसके बाद आप मेटल पे गौर फरमाएंगे। ओके बेटा, चलिए। और उसके बाद अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेटा आपको एक से ज्यादा लिगेंड्स है, तो आप उन लिगेंड्स के नाम जो है वो आप अल्फाबेटिकली रखेंगे। ओके बेटा, चलिए। तो ये थे रूल नंबर थर्ड। अब इसके बाद रूल नंबर फोर जो है, रूल नंबर फोर, आई होप आपको ये रूल याद रहे होंगे। चलिए, रूल नंबर फोर में हम क्या करेंगे बेटा, ठीक, ओके, रूल नंबर फोर में आप क्या कर रहे हैं बेटा, रूल नंबर फोर में आप नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, सीखेंगे names of ligands। अगर आपके पास बहुत सारे ligands है, आप उनका नाम क्या रखेंगे? Suppose आपके पास halogens है, X negative है आपके पास halogens, ठीक, तो इनका नाम आप हमेशा क्या याद रखेंगे बेटा, बताइए क्या याद रखेंगे? आप इनका नाम रखेंगे halido, ठीक, तो इनका नाम आप हेलाइडो रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं बेटा, अगर आपके पास फ्लोरीन नेगेटिव है, आपके पास क्लोरीन नेगेटिव है, आपके पास ब्रोमीन नेगेटिव है, ठीक है, ओके, तो आप इसका नाम क्या रखेंगे? इट इज क्लोरिडो, क्लोरिडो। इसका नाम क्या, इसका नाम रखेंगे आप क्लोरिडो, और इस फ्लोरीन का नाम आप रखेंगे फ्लोरिडो, और इसका नाम क्या रखेंगे आप बेटा, इसका नाम रखेंगे आप ब्रोमीडो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बुक्स है कि उनको सीधे लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, वो भी आप नाम याद रख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इट इज लेटेस्ट वन, तो आप इसको ब्रोमो भी लिख सकते हैं, आप इसको फ्लोरो भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है बेटा, और आप इसको क्लोरो भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको हेलोजेंस कहीं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एज लिगेंड्स मिलेंगे, तो आप उनका नाम हेलिडो लिखेंगे, जैसे फ्लोरो, फ्लोरिडो, या ब्रोमिडो, या क्लोरिडो, या ब्रोमो, या क्लोरो, जैसे लिखेंगे। लेकिन जब आप नेमिंग ऑफ लिगेंड्स लिखेंगे, तो स्पेशली आप नेगेटिवली चार्जेस लेंगे, नेगेटिवली चार्जेड जो लिगेंड्स है बेटा उनके नाम आप पहले सीखेंगे, ठीक है ना। नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स में अगर आपके पास हैलोजेंस है, तो आपने उनके नाम सीख लिए, तो उनको नाम कैसे देंगे, ठीक है। अगर आपके पास, सिंपल याद रखना, नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड जो होगा तो उसके पीछे ओ लगा लेना, ठीक बेटा, आपको उसके पीछे ओ लगा लेना है। सपोज आपको कोई ऐसा है लिगेंड, फॉर एग्जाम्पल आपका है SO4 negative, तो इसका नाम जो है वो है बेटा सल्फेट, ठीक। आप इस ई को ओमिट करेंगे, जब इसको आई पे नॉमिनल जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखेंगे, तो आप इसका नाम क्या रखेंगे बेटा, वो आप नाम रखेंगे सल्फेटो, याद रखिएगा। तो आपने ई को हटाया और ओ को लगा लिया, तो इसको हम आई पे नॉमिनल में यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपने लिखा ऐसे COO negative, ठीक है, तो ये ऑक्सेलेट है,
तो इसका नाम आप ऑक्सैलेट बोलते हैं बेटा, लेकिन यहां पर आप इसका नाम रखेंगे ऑक्सैलेटो, याद रखना बेटा गौर से, ठीक है। तो जब भी आप नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स देखेंगे, स्पेशली बात इसमें यही है कि नेमिंग ऑफ लिगेंड्स स्पेशली कौन से लिगेंड्स है बेटा, नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स जो है, नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स के पीछे आपको ओ लगा लेना, ठीक। सपोज आपके पास है और एक जैसा ही आपके पास है नाइट्राइड, नाइट्राइड NO2 नेगेटिव, आपको नाइट्राइड है तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रीटो, आई पैक नॉमिनेचर में आप इसको नाइट्रीटो लिखेंगे, ठीक। अगर आपके पास ये है CN नेगेटिव वाला तो आप इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम है बेटा कॉमर्शियली, कॉमर्शियली इसका नाम है साइनाइड, तो आप इसको लिखेंगे सायालो, ठीक है बेटा, ओके याद रखिएगा, ओके। अगर आपके पास है ऐसा लिगेंड कोई, सपोज आपके पास लिगेंड है कोई नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड OH नेगेटिव, ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, नाम ऐसे ही बोलते हैं इसका बेटा, लेकिन इसका नाम यहां पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप नाम रखेंगे हाइड्रोक्सो, ठीक है। आपको अगर ऐसा मिलेगा O2 नेगेटिव, ऐसा मिलेगा कहीं पर, ठीक, O2 टू नेगेटिव आपको मिलेगा तो इसको परऑक्साइड कहते हैं, तो आप इसको लिखेंगे पर ऑक्सो, इसको हम पर ऑक्साइड कहते हैं। सो ये है नेमिंग ऑफ नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स, कि मैंने आपको बोला पहला रूल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा आपको समझाने के लिए, आप गौर से याद रखिए लीजिएगा इनको बेटा। पहला रूल, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम रखेंगे तो पॉजिटिव पार्ट पर पहला अटेंशन होना चाहिए, पॉजिटिव पार्ट पहले लिखेंगे उसके बाद नेगेटिव पार्ट लिखेंगे, ओके। सेकेंड रूल, अगर आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नाम देना है तो सबसे पहले आप लिगेंड्स का नाम ले लेंगे, और लिगेंड्स को जब हम नाम दे देंगे, लिगेंड्स को अलॉन्ग विथ नंबर नाम देना है लेकिन अल्फाबेटिकली, और उसके बाद मेटल को नाम लेना है, ठीक है, मैंने दो रूल उसको इकट्ठे बोल दिया। अब चौथा रूल जो है बेटा, दैट इज नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, अगर हमारे पास लिगेंड्स है तो सर हम उनको नाम कैसे देंगे। नाम देने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास हैलोजन्स है, फॉर एग्जांपल एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव और बी आर नेगेटिव, आपके पास ऐसे लिगेंड्स है हैलोजन, तो आप हर किसी नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड के पीछे आप ओ लगा लेंगे बेटा। तो सिंपली आप ओ लगाने के बाद उसका नाम आईएपैक कैटेगरी में कंसल्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास फ्लोरीन है तो उसको फ्लोराइड कहते हैं, तो फ्लोरो बोल दीजिएगा या फ्लोरिडो बोल दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को, या आप क्लोरीन है तो क्लोराइड या फ्लोरिडो बोल दीजिएगा, या आपके पास ब्रोमीन है जिसको आप ब्रोमीड ब्रोमाइड कहते हैं तो ब्रोमिडो कह दीजिए या ब्रोमो कह दीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है, तो आप इस तरह से उनके नाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास सल्फेट आयन आ गया, सल्फेट आयन एज लिगेंड आ गया, आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की मैं बात कर रहा हूं बेटा, गौर से याद रखिएगा इस चीज को। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा बेटा, एज लिगेंड काम करेगा, तो उसका नाम जो रखना है आपको, आपको सल्फेट नाम उसका याद है लेकिन आपको सल्फेट नहीं है इसको बोलना, आपको सल्फेटो बोलना है इसको। इसी तरह आपका ऑक्सैलिक एसिड एज लिगेंड जब रहेगा तो उसको ऑक्सैलेट आयन बोलते हैं, तो आप इसको ऑक्सैलेट नहीं बोलेंगे, तो आप इसको ऑक्सैलेटो बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास नाइट्राइट है बेटा एज लिगेंड है तो आप इसको नाम रखेंगे एज नाइट्रीटो, साइनाइड है तो सायानो रखेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन है एज लिगेंड तो उसको हाइड्रोक्सो बोलेंगे, अगर परोक्साइड आयन एज लिगेंड यूज हो रहा है तो आप बेटा सिंपली उसको क्या बोलेंगे बेटा, तो इसको आप परोक्सो बोलेंगे, ठीक है, ओके। सो दीज वायर सम नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्सेस, ओके। अब इसके बाद जो रूल नंबर फिफ्थ है वो क्या है, अगर हमारे पास अब लिगेंड्स है वो न्यूट्रल है भाई, ठीक है ना, ये नेगेटिवली चार्जेड थे, अगर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे, चलिए नेमिंग ऑफ लिगेंड्स रूल नंबर फाइव जो है, रूल नंबर फाइव,
अगर हमारे पास आप बेटा न्यूट्रली चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स है, कोई चार्ज नहीं है उन पे बेटा, तो उनको नाम कैसे देंगे बेटा? ठीक, अगर आपके पास आप न्यूट्रल लिगेंड्स, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपके पास अमोनिया है, ठीक है बेटा, ओके। अगर इस प्रकार की लिगेंड्स आपको मिलेंगे कहीं कॉम्प्लेक्सेस में बेटा, तो आप इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम आप लिखेंगे एक्वा, इसका नाम रखेंगे कार्बोनिल, और इसका बेटा आप नाम रखेंगे इट इज एमाइन, AMMINE, याद रखिएगा, वर्ड्स भूलना जाना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वहां एक ही एम लिखा होता है कहीं ऑप्शन में, तो वो गलत ऑप्शन होगा, आपको दो एम याद रखने, एमाइन, कार्बोनिल एंड एक्वा। ये न्यूट्रल लिगेंड्स की बात मैं कर रहा हूं। अगर आपके पास ये पांच छठा रूल है, अगर आपको नेम्स ऑफ लिगेंड्स बोलना है, नेम्स ऑफ लिगेंड्स, लेकिन ये वाली लिगेंड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स के पीछे आप IUM लगा देंगे, तो यहां पर आपको लास्ट में यूज करना है IUM। ठीक, कैसे? मैं आपको ऐसे बोलूं बेटा, आपके पास NH2 है, आपके पास NH3 पॉजिटिव है बेटा, ये वाला लिगेंड यूज हो रहा है, तो इसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, इसको हाइड्राजीनियम बोलते हैं। ठीक है, आपके पास NO पॉजिटिव है, तो इसको आप बोलेंगे नाइट्रोसोडियम। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स की बात हुई। तो मैंने आपको सिखाया बेटा लिगेंड्स का अगर नाम देना पड़ेगा तो आपको ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो रूल्स में न्यूट्रल के लिए अलग है, पॉजिटिवली चार्ज्ड अलग है, और नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स अलग से होंगे। ओके बेटा, चलो अब इसके बाद आपने नेमिंग ऑफ लिगेंड्स भी कर दिया, आपने मेटल का नाम भी रख लिया, आपने पॉजिटिव पार्ट को भी अलग कर दिया, नेगेटिव पार्ट को भी अलग कर दिया, आपने उनको कंबाइन भी कर लिया, आपने एक नाम बना लिया। ठीक, ओके। अगर आपके पास अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दैट इज रूल नंबर 6, रूल नंबर 7, अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड हुआ या पॉजिटिवली चार्ज्ड हुआ, तो हम उसको सर नाम कैसे देंगे? इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, देन द मेटल इज नेम्ड विथ एट। याद रखिएगा इस चीज को, स्पेशली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें वो क्या है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसमें नेगेटिवली चार्जेड है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल MLX है, तो यहां पर कोई प्रेजेंट है आयनाइजेशन स्फीयर में, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ठीक है, ओके। अगर इस तरीके का कोई आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो आपको मेटल के लास्ट में 8 लगा लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको आयरन है तो फेरेट लिखेंगे, आपको गोल्ड है तो एवरेट लिखेंगे, औरेट लिखेंगे, या आपको कोई कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखेंगे, या आपको बेटा निकल है तो निकलेट लिखेंगे। ठीक है ना, तो 8 लगाना है पीछे से। अगर आपको कोई ना पॉजिटिव, अगर आपको नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है वो कॉम्प्लेक्स, तो आपको नाम ऐसे ही ऐसा रखना है। ठीक है ना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसमें याद रखिएगा, गौर कीजिएगा आप लोग, कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है,
तो आपको मेटल में जो नाम रखना है वो आपके लास्ट में मेटल के साथ एट रखना है, ठीक ओके। और अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट हुआ या आपका बेटा न्यूट्रल हुआ स्कॉटेशन सफियर, तो आपको नाम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है मेटल के साथ। तो नाम जो मेटल का है वो ऐसे ही रखेंगे। सो दिस वाज रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 8 जो है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट रूल, जो लास्ट में आप रूल देखेंगे वो क्या है, द मेटल इज assigned with it is oxidation number in Roman numerals। तो आपको जो नाम लिख रहे हैं मेटल को और फिर लिगेंड को, फिर पॉजिटिव पार्ट को, फिर नेगेटिव पार्ट को, सबको जमा करके लास्ट में आपको क्या रखना है, आपको बेटा मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो मेटल के साथ आप लिखेंगे, लेकिन किस में, रोमन न्यूमरल्स में, इन ब्रैकेट्स, लेकिन ब्रैकेट्स में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स इन ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आयरन आपको आ रहा है, आयरन तो आपको सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपको ऐसे लिखना है। अगर आपको निकल आ रहा है तो निकल आपको सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ऐसे। आपको आयरन नेगेटिवली आ रहा है तो आप उसको कहेंगे फेरेट, फेरेट कहा तो आपने लिखा था ऐसे। तो ये वाले ऐसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर साथ रखने। सो दीज वर सम रूल्स विच यू हैव टू यूज इन ऑर्डर टू नेम एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, सो फिर से मैं बोल रहा हूं, लास्ट में रिकैप्चुलेशन हो रही है आप रूल्स की। सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स पे गौर करना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है उसमें काउंटर आयंस भी है, यानी कि आयनाइजेशन स्फीयर भी है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी है, तो सबसे पहले अगर आपको राइट में कोई दिख रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, अगर आपको लेफ्ट में कुछ दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज पार्ट को आप नाम रखेंगे और उसके बाद बेटा आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज पे स्ट्रेस करेंगे। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही पॉजिटिव हुआ तो आप पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ही कंसंट्रेट कीजिए, उसके बाद नेगेटिव पार्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। ओके, अब बात आ रही है सर, ये बात समझ आ गई। अगर हमारे पास अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर है सर, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, मेटल भी, लिगेंड्स भी होते हैं सर, उनका नाम कैसे लें? याद रखिएगा बेटा रूल नंबर 2, जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नाम दे देंगे बेटा, ओके याद रखिएगा आप लोग, जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम रखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप बेटा लिगेंड्स के बारे में सोचिएगा, यानी कि आप नेम्स ऑफ लिगेंड्स सबसे पहले लिखेंगे अलोंग विथ नंबर, यानी कि वो कितने लिगेंड्स है उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है तो डाई लिखेंगे, अगर 3 है तो ट्राई लिखेंगे, अगर 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, अगर 5 है तो पेंटा लिखेंगे, अगर 6 है तो हेक्सा लिखेंगे। ओके बेटा, ये आपको सफिक्सेस प्रीफिक्सेस यूज करनी है। ओके बेटा चलिए, अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको मेटल का नाम रखना है। ओके, अब जो नाम है लिगेंड्स के बेटा वो किस प्रकार के होंगे? अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नेगेटिवली चार्जेड लिगेंड होंगे तो सबसे पहले आप गौर कीजिएगा, उसके पीछे ओ लगा लीजिए। अगर आपको क्लोरीन है तो क्लोरो लिख लीजिए, अगर आपको साइनाइड है तो सायानो लिख लीजिएगा, अगर आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है तो आप उसको ऑक्सैलेटो लिख लीजिएगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के पीछे ओ लगा लेना जरूरी है। अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड हुआ तो आयन लगा दीजिएगा, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, जैसे मैंने बताया हाइड्राजेनियम। ओके, ये पॉजिटिवली चार्जेड लिगेंड, ये बहुत ही रेयर होते हैं, तो याद रखना है कि पॉजिटिवली चार्जेड लिगेंड अगर होगा तो आईयूएम लास्ट में लगा लेना। ओके, अब इसके बाद अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स हुए, ठीक है ना, न्यूट्रल लिगेंड्स अगर हो गए बेटा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और मुझे याद आ गया NO है आपके पास, तो उनके नाम क्या रखेंगे आप बेटा? फॉर एग्जाम्पल NO है तो आप इसको नाइट्रोसाइल नाम रखेंगे, इसका एक्वा नाम रखेंगे, इसका कार्बोनिल नाम रखेंगे और इसका एमाइन, AMMINE, आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग,
ये याद रखना क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज्यादातर एग्जाम्पल इस प्रकार की होती है, अमोनिया वहां पर लिगेंड होता है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स को आप नाम वैसा की वैसा ही रखेंगे जैसा उनका नाम होगा, ठीक है। और अब बात आ गई है, अगर हमारे पास अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, अब बात हो रही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नाम की, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका नेगेटिवली चार्जेड हुआ तो उसमें जो मेटल होगा बेटा उसके पीछे आप एक लगाएंगे, ठीक है, तो वो आप नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट रूल जो इसमें है वो क्या है, जब भी आपने नाम लिख लिया बेटा लिगेंड्स का, मेटल का, सबका, जो कुछ आपको करना था वो कर लिया आपने, लेकिन आपको खास ख्याल याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा मेटल का इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो आप रोमन न्यूमरल्स में लेकिन ब्रैकेट्स में साथ लिखना ना भूलिएगा, ओके। सो हर बात याद रख लीजिएगा, हर कई रूल आपके सामने है, और याद रख लीजिएगा पहला अल्फाबेट जो होगा नाम का वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। सो दीज वर द रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ व्हाट बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और दीज आर द लेटेस्ट रूल्स जो 2004 में पब्लिश हुए, ओके। लेट अस सी सम एग्जांपल्स टुडे, ओके, और नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग फॉर आइसोमेरिज्म, ओके। चलिए एग्जांपल्स पहले करेंगे इसमें कि नाम कैसे देंगे बेटा, ओके चलिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हम नाम कैसे देंगे इनका। लेकिन उससे पहले आपको सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, मैंने क्या क्या टर्म आपको बोला, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो सब होना चाहिए। ए एग्जाम्पल नाम आपके पास K4FeCN6, ये देख लीजिएगा बेटा, आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स जो है वो ये वाला है, ठीक। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव चार्ज लिखे इस पर -1 चार्ज होता है तो -6, इस पर +1 होता है बेटा, सो +4 -6 +4 तो 2, तो दिस विल बी -2, ओके, एम आई राइट सर, ओके। चलिए ये है -2, ठीक, -2 इस पर चार्ज होगा। अब इस पे बता दीजिए, नहीं इस पे -4 चार्ज है, ठीक, -4 चार्ज होगा तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया, यानी कि सेकंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। अब नाम दीजिए, सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट तक कंसेंट्रेट करेंगे, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट, ओके। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, इसको नहीं लिखना है कितने पोटेशियम है, खाली एक बार लिखना है पोटेशियम, ओके, पी मैंने कैपिटल किया है, अब कोई भी वर्ड कैपिटल यूज नहीं होगा। अब इसके बाद हम यूज क्या कर रहे हैं बेटा, लिगेंड्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नाम लेना है, तो सबसे पहले किनका नाम ले लेंगे बेटा, लिगेंड्स का। लिगेंड न्यूट्रल है कि ये नेगेटिवली चार्जेड है, नेगेटिवली चार्जेड कितनी बार है, 6 बार, तो वर्ड कौन यूज करेंगे, हेक्सा, तो हम लिखेंगे हेक्सासायालो, ठीक है, हेक्सासायालो, पोटेशियम हेक्सासायालो, तो इट इज पोटेशियम हेक्सासायालो। अब इसके बाद कौन है, आयरन, लेकिन ये आयरन कौन सा, चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो इसका नाम आएगा फेरेट, फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2, सो दिस विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ओके। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जस्ट कॉन्सेंट्रेट बेटा, PtCl2 NH3O2, ठीक, क्लियर है बेटा, ओके। देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं है तो हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो सबसे पहले किनका नाम ले लेंगे बेटा, लिगेंड्स का। ये अमाइन है तो A से स्टार्ट होता है, क्लोरीन है तो C से स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको बोला अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड्स होंगे तो आपको अल्फाबेटिकली नाम लेना पड़ेगा, तो बताइए क्या होगा, तो ये होगा डाई एमाइन, तो फिर डाई क्लोरो, क्यों, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिवली चार्जेड है, लेकिन ये न्यूट्रल है तो इसके लिए अमाइन, तो ये 2 बार क्लोरीन है, डाई क्लोरो, ये क्या है, प्लैटिनम, प्लैटिनम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए, इसका -1 है तो -1 0 = 0, तो ये अगर प्लस तो इट इज सेकंड,
इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज सेवन, ठीक है ओके चलिए, इसका जीरो है, इस पर भी चार जीरो, ठीक। अब सी एग्जाम्पल देख लीजिएगा बेटा, एन आई सीओ होल फोर, ठीक, एंड हेयर इट इज टू पॉजिटिव। नाम बता दीजिए बेटा, इसका नाम क्या है? तो इसका चार्ज जो है जीरो है, तो इसका हम चार्ज एक्स रखेंगे, तो इट इज एक्स प्लस फोर टाइम्स जीरो इज इक्वल टू प्लस टू, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, ठीक है। तो दिस विल बी सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। अब नाम दीजिएगा, तो नाम क्या आएगा इसका? टेट्रा, चार बार है, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ये नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है ना, तो सीधे निकल आएगा, निकल और ये आएगा। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, सपोज इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बेटा? जीरो, जीरो, ठीक। तो यहां पर आप देखेंगे ऐसे, ठीक ओके। डी सी आर एन एच थ्री ऑल फोर बी आर टू एंड इट इज अ सो फोर, इसका नाम बता दीजिए। इस वक्त जो ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो पहले इसका नाम ले लेंगे और उसके बाद इसका नाम ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो इसका नाम कैसे रखेंगे? तो इट इज बी एंड इट इज बेटा ए, तो पहले ए का नाम रखेंगे कि बी का नाम रखेंगे? ए का। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, इट इज माइनस वन, इट इज जीरो, ठीक है। तो इसका है माइनस टू, तो कीजिए ना सम, तो इसका एक्स रखेंगे बेटा, तो एक्स प्लस जीरो प्लस माइनस टू, टू वन जा टू माइनस टू, सो इट इज प्लस माइनस टू, ठीक ओके। सो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर, ये इसका फोर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। नाम बता दीजिए इसका, क्या आएगा? टेट्रा एमाइन, कोई ए नहीं काटना बेटा, टेट्रा एमाइन। तो ये क्या आएगा? डाई ब्रोमो, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, क्रोमियम फोर, और इसका नाम आप सीधे लिखेंगे सल्फेट, ठीक है। फिर से बताऊं, ये देखिए, ये आपका टेट्रा एमाइन डाई ब्रोमो, तो क्या आएगा नाम? क्रोमियम, कितना ऑक्सीडेशन नंबर? फोर, तो क्या आएगा? इसका नाम सीधे लिखना है, दैट इज सल्फेट, ठीक। आएंगे नाम आप बेटा, होप कि आपको आएंगे, और आप घर में ट्राई कीजिएगा कि कितने आपको आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। जिसको नहीं आएंगे वो प्लीज, मैंने आपको बार बार बोला है कि जिसको कुछ नहीं आएगा इसमें से, यानी कि यहां कंफ्यूजन होगा आपको, तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो चीज आप रिपोर्ट करो। आपके पास व्हाट्सएप नंबर मेरा है, तो उस पर आप रिपोर्ट कीजिएगा, तो मैं आपको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, आई होप कि आपने इस लेक्चर को बहुत ही एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।